सभी विधायकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एयरपोर्ट में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी चार्टर प्लेन से जैसलमेर जाएंगे और कुल चार चार्टर प्लेन के जरिए आपको बता दें विधायकों को जयपुर से जैसलमेर ले जाने की तैयारी है। तो जयपुर के होटल फेयरमोंट में 19 दिनों तक रहने के बाद अब गहलोत खेमे के विधायक जो हैं उन्हें जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना किया गया है, शिफ्ट किया गया है। और आपको बता दें फेयरमोंट होटल से निकलकर अब चार्टर प्लेन्स के जरिए उन्हें जैसलमेर पहुंचाया जाएगा और एयरपोर्ट पे सभी तैयारियां कर दी गई हैं। जयपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब क्या 14 अगस्त तक ये विधायक अब जैसलमेर में ही रहेंगे और कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सिर्फ 14 दिन ही रह गए हैं विधानसभा सत्र को, हॉर्स ट्रेडिंग की एक्टिविटी और बढ़ सकती है, उसी को लेकर ये एक एक्शन, एक कदम उठाया गया है गहलोत खेमे की तरफ से? बिल्कुल सही रीतिका जी, आशंका है और अपने प्रयास, और इसलिए विधायकों को जैसलमेर ले जाया जा रहा है जो कि जयपुर से कम से कम 900 किलोमीटर दूर है। दूसरा यह है कि यहाँ पे लगातार मीडिया की नजर बनी हुई है, पूरे देश का मीडिया, यानी दिल्ली से भी, चूंकि जयपुर पास पड़ता है, दिल्ली रोड पर ही ये होटल था जहां पर ये लोग अभी तक ठहरे थे, तो मीडिया की लगातार नजर बनी हुई थी, लगातार रिपोर्टिंग यहां से हो रही थी। उससे भी सरकार को लग रहा था, कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि एक नेगेटिव इमेज बन रही है। मानेसर वालों पे कोई ध्यान किसी का नहीं था, वहां पे क्या हो रहा है होटल में वो किसी के सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो यहाँ पे जो विधायक वगैरह है उनके होटल में क्या गतिविधियां है वो सारी दिखाई जा रही थी। तो इसलिए सरकार ने सोचा है कि जब तक विधानसभा सत्र नहीं होता है उनको सब लोगों से दूरी वहां रखा जाए जैसलमेर में। जी जी संजय जी, तो माना जाए कि अब विधानसभा सत्र यानी कि 14 दिन जो बचे हैं वो वहीं रहेंगे, ईद और रक्षाबंधन भी वहीं मनाई जाएगी इन विधायकों द्वारा? बिल्कुल, ये विधानसभा सत्र जब शुरू होने वाला है 14 अगस्त को, तो उसके पहले ये 13 को शाम को या दोपहर तक यहाँ पे आएंगे और जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है मैं ये मानता हूँ कि ये लोग होटल में ही रहेंगे, ये अपने घरों को नहीं लौटेंगे। जी शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी और बातचीत।